दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि YouTube में शॉर्ट वीडियो अपलोड करते होंगे, और मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ होगा। दोस्तों, मैं भी अपने इस चैनल में शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ, लॉन्ग वीडियो भी अपलोड करता हूँ और शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करता हूँ, और मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका है। अब यार, यूट्यूब ने बोला था कि आपका शॉर्ट्स चैनल भी मोनेटाइज होगा। सो आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपने यूट्यूब शॉर्ट्स चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। और मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है तो क्या मुझे शॉर्ट्स वीडियो से भी अर्निंग होता है, और होता है तो कितने व्यूज़ पर मुझे कितना अर्निंग होता है, इन सब के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो अगर आप YouTube में शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर से देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, 10 तारीख को आप लोगों को YouTube की ओर से एक मेल आया होगा जिसमें YouTube ने मोनेटाइजेशन के कुछ रूल्स के बारे में बताए होंगे। YouTube के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसे आपको फॉलो करने पड़ेंगे, YouTube के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसे आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद आपका शॉर्ट्स चैनल मोनेटाइज होगा। अगर आप YouTube में लॉन्ग वीडियो बनाते हो तो भी आपको उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने होंगे। लगभग एक वीक के अंदर आपके व्हाट इज टू डू एप्लीकेशन में आपको एक नोटिफिकेशन शो होगा, वहाँ पे जाके आप YouTube के टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर सकते हो। जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आपके शॉर्ट वीडियो में ऐड नहीं चला जाएंगे, तो आपको उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने होंगे। और जिनका YouTube चैनल पहले से मोनेटाइज हो चुका है, जैसे कि मैं अपने चैनल की बात करूँ तो मेरा चैनल अभी मोनेटाइज हो चुका है, और अगर अभी मैं अपने चैनल में शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ तो अभी तो मुझे शॉर्ट वीडियो के पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन 1 फरवरी से मुझे शॉर्ट वीडियो से भी पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे शॉर्ट वीडियो में भी ऐड चलेंगे और उसका अर्निंग भी मुझे मिलेगा। अब बात करते हैं जिनका शॉर्ट्स चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, वो लोग अपना शॉर्ट्स चैनल कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, शॉर्ट्स चैनल को मोनेटाइज करने के लिए उसका जो क्राइटेरिया है, सबसे पहले आपको उसे पूरा करना पड़ेगा। या तो आप अपने चैनल में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करके अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हो, या फिर अगर आप अपने चैनल में शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो आप अपने शॉर्ट वीडियो में 10 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट करके अपने शॉर्ट्स चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। अगर आपके सभी शॉर्ट वीडियो को मिला के आपके 10 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट होते हैं लास्ट 90 डेज के अंदर में, तो आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे लॉन्ग चैनल वाले मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, सेम प्रोसेस आपको भी करने होंगे। और दोस्तों, आप मोनेटाइजेशन के लिए व्हाट इज टू डू एप्लीकेशन में भी अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप क्रोम ब्राउजर में या फिर व्हाट इज टू डू एप्लीकेशन में जाके अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप शॉर्ट वीडियो खुद का बनाते हो, आपके शॉर्ट वीडियो में आपका वैल्यू होगा तो आपका शॉर्ट चैनल आराम से मोनेटाइज हो जाएगा। बाकी दोस्तों, अभी मुझे शॉर्ट्स वीडियो से अर्निंग नहीं होता। अगर मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूँ और कोई उसे ब्राउजर फीचर के थ्रू देखता है तो मेरे शॉर्ट वीडियो में कुछ ऐड चल जाते हैं जिससे थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाता है, लेकिन अगर कोई मेरे शॉर्ट वीडियो को शॉर्ट फीड के थ्रू देखता है तो मुझे शॉर्ट वीडियो से बिल्कुल भी अर्निंग नहीं होता। अब फरवरी मंथ से पता चलेगा दोस्तों कि शॉर्ट वीडियो में कितने व्यूज़ पे कितना पैसा मिलता है। सो जैसे ही YouTube शॉर्ट्स फीड से आने वाले व्यूज़ के पैसे देने स्टार्ट कर देंगे, मैं आप लोगों को वीडियो बना के बता दूंगा कि शॉर्ट्स में कितने व्यूज़ पे कितना पैसा मिलता है। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं वहां से आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।